नमस्कार दोस्तों, आप सभी का मेरे चैनल पर स्वागत है। मेरा नाम महेंद्र है और आप देख रहे हैं कैप 24। आज हम बात करने वाले हैं, जैसा कि मैंने कल वीडियो डाला था, कि यदि आप चाहते हैं कि मैं एडवांस बुकिंग के बारे में आपको बताऊं तो आप मुझे कमेंट कीजिए। और मिनिमम 10 कमेंट के लिए मैं रिक्वायर किया था, लेकिन आपने बहुत सारा कमेंट किया, इसके लिए आपका बहुत धन्यवाद। तो आज हम बात करने वाले एडवांस बुकिंग के बारे में, और उसके साथ साथ हम आज बात करने वाले हैं सर्च वाली बुकिंग क्या होती है, नॉर्मल बुकिंग और सर्च वाले बुकिंग में क्या फर्क होता है, इसके बारे में हम समझेंगे। तो वीडियो शुरू से अंत तक जरूर देखिए। अगर वीडियो पसंद आता है तो जरूर से हर बार की तरह इस बार भी मुझे लाइक करके सपोर्ट कीजिए और अपना कमेंट भी दीजिए। और आप यदि मेरे चैनल पर नए हैं तो जरूर से मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं, एडवांस बुकिंग के बारे में बात करते हैं। तो उबर का एक फीचर है एडवांस बुकिंग। तो एडवांस बुकिंग में क्या होता है कि हमें 2-3 घंटे या 4-5 घंटे पहले बुकिंग आती है, टाइम दिया जाता है। जैसे कि यहाँ पर मैं स्क्रीनशॉट दिखा रहा हूँ, ये कल की बुकिंग थी मेरी। तो ये इंटरसिटी की ट्रिप थी, लेकिन वो एक्चुअली इंटरसिटी थोड़ा सा आगे था, तो इंटरसिटी लग गया। पनवेल से ये आगे थोड़ा नेरे करके जगह है, उधर का ये ट्रिप था। तो ये मुझे लगभग जो है 4:30 बजे के आसपास ये ट्रिप आई थी। तो यहाँ पर आप बुकिंग में देख सकते हैं, ये एडवांस बुकिंग है। तो इसमें मुझे पहले से देखा जाता है कि कहाँ से पिकअप है और कहाँ पर ड्रॉप है और मुझे कितना रुपीस मिलेगा। तो एडवांस बुकिंग में भी तो आप जानते हैं कि सब जो है मतलब तो नॉर्मली है, तो सब टोल वगैरह तो अपने होता है, लेकिन इंटरसिटी ट्रिप रहेगी और वो एडवांस बुकिंग की ट्रिप रहेगी तो भी उसमें टोल जो है वो कस्टमर का ही रहेगा, पर नॉर्मल एडवांस बुकिंग में तो टोल हमारा रहता है। तो इसमें क्या होता है कि हमें पहले से पता चलता है। तो मैं उस ये कल की ट्रिप की बात करें तो इससे पहले मैंने 1-2 ट्रिप मारी थी। एक बार मैंने डोंबोली से एडवांस बुकिंग वाली ट्रिप ली थी और कल तो वर्सोवा से ली थी। तो कल मैं अंधेरे के आसपास था, तो अंधेरे में जब मैंने ये ट्रिप एक्सेप्ट की, तो जब मैंने ये ट्रिप एक्सेप्ट की तो टाइम लगभग जो है 2 घंटे के आसपास मेरे पास टाइम था। तो 2 घंटे के आसपास टाइम था, तो उस समय उबर क्या करता है कि जहां पर कि हमारे एडवांस बुकिंग की ट्रिप है उसी एरिया में हमें ले जाने की कोशिश करता है। यानी अभी मेरी वर्सोवा की ट्रिप थी, तो मुझे थोड़े समय के बाद तुरंत ट्रिप आई गोरेगांव की। तो गोरेगांव से तो पिकअप लोकेशन मेरा जो एडवांस बुकिंग का पिकअप लोकेशन था वो लगभग 5-7 किलोमीटर था। तो ये ऐसा काम करता है, यानी हमें जो है एडवांस बुकिंग मिलती है, उसके बाद जो भी ट्रिप लगेगी वो जहाँ की हमारे एडवांस बुकिंग की ट्रिप रहेगी वहाँ के आसपास ही हमें उबर लेकर जाएगा। इसमें क्या होता है कि एडवांस बुकिंग आप एक्सेप्ट करते हैं तो आपको 40 मिनट पहले जो है ऑनलाइन होना पड़ता है। आप अगर ओला और उबर चलाते हैं तो मान लीजिए आपने उबर बंद किया और ओला चला रहे हैं, तो आपको 40 मिनट पहले आपको उबर ऑन करना होगा। तो आप 40 मिनट पहले नहीं ऑन करते हैं तो आपकी ट्रिप ऑटोमेटिकली कैंसिल हो जाती है। और कैंसिल करने पर इसमें कुछ पेनल्टी वगैरह नहीं होता है, मतलब नॉर्मली कैंसिल हो जाती है। ये एडवांस बुकिंग जो उबर का फीचर है, आपको कैसा लगता है, क्या यह अच्छा है? तो मेरे ख्याल से मुझे तो अच्छा ही लगता है, अगर रेट अच्छा दे रहा है तो अच्छा ही है। तो इस प्रकार से वो काम करता है। अगर आपके इसके बारे में नहीं समझ में आया है तो मुझे कमेंट करके बताइए, मैं बताने की कोशिश करूंगा। और भी बात करते हैं सर्च वाली बुकिंग। नॉर्मल बुकिंग क्या होते हैं? नॉर्मल बुकिंग मतलब जो नॉर्मल बुकिंग मतलब रेगुलर जो बुकिंग आती है उसको हम नॉर्मल बुकिंग कहते हैं, मतलब जो रेगुलर हमें बुकिंग मिलते हैं वो नॉर्मल बुकिंग है। लेकिन सर्च वाले बुकिंग क्या होती है कि जहां पर गाड़ियां कम होती है और बुकिंग ज्यादा आते हैं तो वहां पर जो है सर्च बढ़ता है, यानी रिक्वायरमेंट बढ़ती है। तो हमारा जो नॉर्मल रेट यानी नॉर्मल बुकिंग में जो हमें पैसे मिलते हैं उससे रेट बढ़ जाता है, लेकिन ये सर्च के ऊपर डिपेंड होता है। जैसे कि 1.1 होता है, 1.2 होता है, 1.3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, उसके बाद 2.1, 2.3 ऐसा होता है। तो जितना ज्यादा 1.1 है, 1.2 है, 1 के ऊपर जितना ज्यादा नंबर लगा रहेगा, मान लीजिए 1.1 है तो ये नॉर्मल सर्च है, 1.4 ये थोड़ा अच्छा है, 1.7 ये अच्छा है और 2.1 ये बहुत अच्छा है। नॉर्मली मान लीजिए मुझे पनवेल से अंधेरे जाना है, नॉर्मल ट्रिप है मिनी की और 50 किलोमीटर है, तो नॉर्मल बुकिंग में मुझे कितना रुपए मिलता है? तो मिनी में मुझे नॉर्मल मिलेगा 550 से 600 रुपये मिलेगा ना, 600 या 650 मिलेगा, आप पकड़ लीजिए। लेकिन अगर आपको अच्छा वाला सर्च मिलता है 1.4 तो वहां पर आपको 100-150 रुपये, 200 रुपये एक्स्ट्रा मिलते हैं। यानी जितना ज़्यादा सर्च रहेगा उतना ज़्यादा आपका पैसा बढ़ता जाता है,
यानी आप जितने ज्यादा सर्च वाली बुकिंग एक्सेप्ट करोगे उतना ज्यादा आपको उस ट्रिप का भाड़ा मिलता है। तो ये था सर्च के बारे में। तो इसके बारे में भी अगर आप नहीं समझ पाए तो जरूर से मुझे कमेंट करके बताएं। थोड़ा सा मुझे एक्सप्लेन करने में, अच्छे से एक्सप्लेन नहीं कर पाता हूं, लेकिन फिर भी आप सपोर्ट करते हैं, इसके लिए आपका धन्यवाद। तो ये वीडियो अगर पसंद आया है तो जरूर से वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। जल्दी अगले वीडियो मिलेंगे, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू फॉर वॉचिंग।